नमस्कार, आज हम आपको एक बार फिर से लेकर पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 6 में स्थित डॉक्टर निधि खेत्रपाल कॉमर्स एकेडमी में। और अगर इस एकेडमी की बात करें, जहां पिछले साल के बोर्ड एग्जाम्स में तो बिजनेस स्टडीज के रिजल्ट की बात करें, तो दो लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने 100% स्कोर किया था, और उसके अलावा 95 अबव की भी संख्या जो है वो अपने आप में काफी अच्छी थी। लेकिन क्योंकि 95 और 100 के बीच का गैप, जैसा कि डॉक्टर निधि खेत्रपाल का कहना है कि अपने आप में ही बहुत मायने रखता है, तो इस गैप को हटाने के लिए जो है आज यहां पर एक स्पेशल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें मिस्टर आर के महाजन, जो कि एक ऑथर हैं, काफी बुक्स जो हैं ये खुद लिख चुके हैं, 22 इयर्स का जिनका एक्सपीरियंस है, वो आज यहां पर पहुंचे हैं खुद बच्चों से रूबरू होने के लिए, उन्हें समझाने के लिए सीबीएसई का जो पैटर्न है उसके बारे में बताने के लिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में जो है बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सके और उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सके। तो हम लोग आपको अंदर लेकर चलेंगे, मैम से बातचीत करेंगे, कुछ स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, मिस्टर आर के महाजन से बातचीत करेंगे जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम आप लोगों से अपील ही करना चाहेंगे कि जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। Now what option you think is to be considered as a threat answer? Now you have understood the question? That our work is getting delayed. We are running behind our schedule. So what we need to do out of the four options? How many say we? तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, किस तरीके से डॉक्टर निधि खेत्रपाल कॉमर्स एकेडमी में आज मिस्टर आर के महाजन पहुंचे, जो कि अपने आप में काफी फेमस ऑथर जरूर हैं और जो सीबीएसई से पिछले काफी सालों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस वर्कशॉप पर जो है आज उन्होंने उसका फायदा उठाया, तो हम उनसे उनके रिव्यू जरूर जानना चाहेंगे। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, वर्कशॉप आपके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल रही आज? इट वॉज वेरी प्रोडक्टिव। सर ने हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए और ये भी बताया कि 100% कैसे स्कोर करना है, 95% से 100% कैसे स्कोर करना है। तो बहुत अच्छा सेशन था, प्रोडक्टिव था बहुत हमारे लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिजनेस स्टडीज की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादातर जो है थ्योरी पार्ट ही है, इनफैक्ट प्रैक्टिकल पार्ट नहीं होता, तो काफी बार स्टूडेंट्स जो है डर रहे होते हैं कि वो एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे या अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो आज की इस वर्कशॉप के बाद जो है आपको खुद को कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है अपने अंदर कि आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? आई थिंक आई कैन स्कोर वेरी वेल, बिकॉज इट्स नॉट कि सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट होता है, यू नीड टू एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिजनेस स्टडीज ऑल्सो। एंड इस वर्कशॉप से सर ने जिस तरह के हमारे से क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, इट इज ब्रिज्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन ऑल ऑफ अस। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के इस वर्कशॉप? No, it was very effective for me as well. And I was a dilemma before that what to do and how to score 100 marks. But sir has helped me and he has bridged the gap from 95 to 100. तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसा कि निधि मैम ने बताया कि ये जो वर्कशॉप है इसका मेन एम यही है कि किस तरीके से 95 से जो है आप लोग 100 स्कोर कर सकें, तो आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ आपको लगता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस वर्कशॉप के? सी, इट्स वेरी इजी टू स्कोर 90 मार्क्स, 85 एंड 90 मार्क्स आर वेरी इजी टू स्कोर, द हार्ड अर्निंग पार्ट इज द लास्ट 10 मार्क्स, सो दिस वर्कशॉप वॉज वेरी यूजफुल फॉर दोज 10 मार्क्स, इट वॉज वेरी प्रोडक्टिव फॉर दैट। तो जैसा कि आपने देखा जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि कितनी यूजफुल उनके लिए ये वर्कशॉप रही, किस तरीके से उन्होंने समझा कि 95 और 100 के बीच का जो एक गैप है जो अपने आप में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उतना ही मुश्किल, क्योंकि उसको गेन करने के लिए जिस तरीके से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसी पर आज फोकस करके जो है ये वर्कशॉप जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। डॉक्टर निधि खेत्रपाल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, एक बार हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो ये इनिशिएटिव आपने इसी टाइम पर क्यों लिया? दिस इज बेसिकली द टाइम व्हेन द सिलेबस इज टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी ओवर हो चुका है, सो बेसिकली दिस इज द टाइम टू गिव अ फाइनल टच। नाउ पूरे साल में बच्चों ने जो पढ़ा है, हाउ दे नीड टू प्रेजेंट इट, एंड दिस इज द ओनली थिंग नाउ वी हैव टू वर्क अपॉन। एंड हियर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, दिस ईयर सीबीएसई हैज मेड अ ड्रास्टिक चेंज, 25% जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, तो सर ने बेसिकली वही पार्ट ज्यादा डिस्कस कराया है, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कराए हैं। सो बेसिकली यही है कि वो पैटर्न अगर आपको बच्चों को क्लियर है तो ऑटोमेटिकली वो बेटर कर पाएंगे और रिजल्ट्स भी ले पाएंगे। जहाँ तक रिजल्ट्स की बात की जाए, पिछले साल भी दो बच्चे ऐसे थे यहाँ के जो 100 स्कोर किया था, जिन्होंने फुल 100 स्कोर किया था, इवन करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के पेज पे भी ये जो न्यूज़ है अपडेट हुआ था।
बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो 95 या 94 के बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए थे, 96 पे भी रुके थे बच्चे, 97 पे भी. सो बेसिकली हमने इसका टाइटल ही यही दिया है कि 95 to 100% का जो गैप ब्रिज करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो एक टीचर कॉपी चेकिंग करते हुए कंसिडर करेगा ताकि बच्चे उन चीज़ों का ध्यान रखें और बेटर स्कोर कर पाए. नाउ दिस सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट लर्निंग पीपल, दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास. आपके माध्यम से इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगी इनको कि ये बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट इट इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन नाउ, इट इज टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. जितना आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर होगा, जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आप वन लाइनर्स भी बेटर कर पाओगे और केस स्टडीज जो मेन आजकल इशू है स्टूडेंट्स का वो भी सॉल्व हो पाएगा. सो आइडिया इज द सेम, एम इज द सेम कि 100 वाला पहले 2 था तो अभी ज्यादा से ज्यादा लाने का है. सो वही उसी से रिलेटेड दिस ऑल वर्कशॉप इज ऑल अबाउट. आज की अगर हम वर्कशॉप की बात करें वो स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से जो है हेल्पफुल रहने वाली है, आरके महाजन सर के बारे में क्या कुछ आप और हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? दीज आर दी पीपल हु आर हैविंग द इन्फॉर्मेशन इनसाइड आउट, दीज आर दी पीपल जो क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग में भी इन्वॉल्व हैं. सो इन लोगों को इनसाइड आउट आइडिया रहता है और हम लोग भी इन्हीं से सीख रहे हैं. माने ही इज दी पर्सन हु इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग द टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू, टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या बनाते हुए ध्यान रखनी है बातें. सो अगर बच्चों को ये पूरा कंसेप्ट ही क्लियर है तो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज उनको क्लियर है, ग्राउंड कॉन्सेप्ट उनको क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव. और मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ ये कि पैटर्न में चेंज इज द बिग थिंग. 80 में से 20 नंबर का पेपर अब 1 मार्कर होने वाला है. सो अगेन थॉरली कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बच्चों को होनी चाहिए, नॉट ओनली द लर्निंग पार्ट. हार्ड कोर लर्निंग नहीं चलेगा, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एवरी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू बी इंक्लूडेड. 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स अब प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किन टॉपिक्स पर जो है ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स पर जो है बिजनेस स्टडीज के लिए उन्हें अच्छे से फोकस करना चाहिए कि वो लोग अच्छा स्कोर करें? आई वुड बी सेइंग अगर हम टिप्स की बात करें तो मैंने अभी बोला कि रट्टाफिकेशन शुड नॉट बी देयर. सर ने भी मेंशन किया हार्ड वर्क इज नीडेड बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखें माइंड में. ओनली लर्निंग पार्ट आप दिन में सुबह से रात तक लर्न कर रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पज. और अगर आप मार्क्स स्कोर ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दिस इज नो फन. सो बेसिकली आप मार्क्स तभी स्कोर करेंगे, 95 टू 100 का गैप आप तभी ब्रिज कर पाओगे जब आपने स्मार्ट लर्निंग की हुई है. नॉट ओनली दी लर्निंग थिंग, नॉट ओनली दी रट्टाफिकेशन थिंग, बट अगर डीप क्लैरिटी आपको है, आपको पेपर प्रेजेंट करना आ रहा है, आप पेपर को समझ रहे हो, 3 घंटे में आप जो आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. और तभी कर पाएंगे अगर आपको क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की. तो जैसा कि हमें यहाँ पर डॉक्टर निधि खेतरपाल ने भी बताया कि किस तरीके से अगर आपने भी 95 से 100 का जो गैप है उसे कवर अप करना है तो आपको भी ना केवल हार्ड वर्क बल्कि इक्वली स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. तो एक बार फिर से हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा. और जिन्होंने आज ये वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज की, जो यहाँ पर आज पहुंचे मिस्टर आर के महाजन, उनसे भी हम लोग आगे बातचीत जरूर करेंगे. तो मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूंगी कि जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा. Now let's come to the next question. What managerial action may now be taken by the company to avoid such a situation from arising in the future? We have 4 options: revise the schedule, assigning additional work, workers and equipment to the project, get permission for further overtime work, both PLC. Is the answer visible to you? No, we need to go to the case law. Let's go to the case law. An important project at EMP Consultants is running behind schedule by a month. This has upset their clients and might affect the reputation of the company. इस समय मौजूद है करनाल के सेक्टर 6 में स्थित निधि खेतरपाल क्लासेस में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा जगत में जाना माना नाम आर के महाजन सर आज यहां पर पहुंचे. बच्चों के साथ एक वर्कशॉप की गई, काफी स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचे और काफी कुछ उनको जो है सीखने का मौका मिला क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम्स जल्द हैं. तो सर से हम जानना चाहेंगे, सर सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं करनाल पहुंचने पर, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज निधि खेतरपाल क्लासेस में आप पहुंचे, किस तरह से आपने बच्चों को टिप्स बताए, एग्जाम्स आने वाले हैं तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? Thank you first of all to Dr. Nidhi Khetrapal for giving the invite. It's really a wonderful opportunity to interact with the student every time, everywhere. So I try always not to lose the opportunity whenever I'm invited, because my purpose is to serve whatever I have in my field. So every year there are tremendous changes in the field of accountancy and the business studies, and the business studies has become so much crucial subject since the pattern examinations changed in the 2015.
since that year we have been seeing changes year after year, and this year subject has become more crucial than early years. And not only the crucial, but it has also become so much interesting for the student, because as Dr. Nidhi already told that 25% of the entire paper is OAT based. So under OAT based question, then the student are required to have a thorough understand the subject, not only the thorough understand the subject, but need to connect the subject with the real life situation. So we try to inculcate the habit that if you want to connect the commerce into your life, then you need to have a thorough understand the economic times, and you make a habit to go through economic times on the everyday basis. So this will build your confidence in the subject, as well as it will become your life skill. So if you have a thorough understanding environment, this subject becomes very much easy. So this is the main thing that every student and every teacher needs to acquire. And through this session, we train the teacher that how the changes are coming year after year in the CBSE, how the curriculum is changing, how the national economic policy is going to change the scenario in the education system, and how the NCERT books can help, and how other material can supplement the education. So through this session, we have already seen that students feel confidence after having session for 2 or 3 hours, that they have shared their opinion that their percent marks have increased from 10 to 15%, even to 20%. So if within 2 hours or 3 hours session, if the percent can rise from 10 to 15 of 20%, that's a great achievement for me as well as for the students. तो ये आपने देखा आरके महाजन सर आज यहाँ पर मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स को काफी टिप्स उन्होंने दिए, क्योंकि जो वर्कशॉप्स आयोजित की जाती है, हम आपको पहले भी कई बार दिखा चुके हैं कि निधि खेतरपाल क्लासेस जो कॉमर्स एकेडमीज में अपने आप में जाना माना नाम है, अपने आप में जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के काफी टॉपर्स रहते हैं, हर साल जो है परचम लहराते हैं, और इस समय आपने देखा कि किस तरह से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था जो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।